चाट बना रही हूँ उसके लिए मैंने प्याज फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं हल्का सा सोते करूँगी। अफ्तारी का टाइम करीब है, बस फाइनल तैयारियाँ होती हैं इस वक्त। अपने साथ अपने गरीब रिश्तेदारों को, आसपास आपके जो भी हम लोगों के गरीब वगैरह रहते हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको उनका हिस्सा ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमारी कमाई में बरकत डालेगा। अब इसमें मैं ये छोले डाल रही हूँ। छोले मेरे बहुत गले हुए हैं, ये छोले मैंने अभी डाल दिए हैं। इसके साथ ये मैं आलू डालूंगी। ये इमली का पानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पल्स ना डालें क्योंकि रमज़ान में इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये एक टीस्पून चाट मसाला है, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, इसको मैं मिक्स करके, अभी ये चाट तैयार हो गई है। अभी इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, और इसमें नमक हस्बे जायका डालें, जो आपको पता है मैंने छोले डाल के, छोलों में नमक डाल के उबाला था, और इसमें लग करे पूरा हो, अगर नहीं होगा तो मैं साथ में चाट मसाला रख दूँगी, नमक पूरा कर लेंगे। अब इसमें इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च और पुदीना काट के रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं डालूँगी अभी। इसके ऊपर मैं ये पापड़ी डाल रही हूँ। अब ये फ्राइड चना चाट तैयार हो गई है, आप भी ज़रूर बनाएं, आसान सी चीज़ है, और ज़्यादा मसालों का और ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि रमज़ान है, अल्लाह करे हमारे रोज़े पूरे हो जाएं। और अभी बस अफ्तारी का टाइम है, मैं 3 बजे तक सब चीज़ें हाफ़ कुक कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये चीज़ स्टफ्ड हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने बेसन का पेस्ट बना के, और इसको मैंने हाफ़ कुक कर दिया है। ये तंदूरी रोल मैंने बनाए हैं, ये भी अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन सब चीज़ें मैं जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको मैं हाफ़ फ्राइड कर लेती हूँ। अभी बस जैसे अफ्तारी का टाइम होगा तो 10 मिनट पहले मैं सबको फ्राई करके और गरम गरम टेबल पे रखती हूँ। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं फ्राइड चना चाट, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। मेरे खाने कम मसाले वाले होते हैं, आप ज़रूर बनाएं। ठीक है जी, रमज़ान है, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।